Hey guys, welcome to my next video of engineering design, जो कि FDM का ही part है. So engineering design कुछ भी ज़्यादा difference नहीं है आपके design से. Design जो आपने किया था वही है कि आपने design किया है वहाँ पर, decision making की है, problem solving की है, किसके लिए की है, अपना जो कोई product बनाना है, system बनाना है उसके लिए, ठीक है. और एक लोगों की need पूरी करके आपने एक product बनाया, ठीक है. अब यहाँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन में हमको उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है. सो आप जितना भी ऑप्टिमल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो बेसिकली आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमल तरीके से तो यूज़ करो ही करो, साथ में जितना भी कॉस्ट है डिज़ाइन का वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है. और वहाँ पर आप कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग यूज़ करो अपनी, ठीक है. बेसिकली इंजीनियरिंग करते ही हम इसलिए सो कि हम कॉस्ट का डिज़ाइन का कॉस्ट हमेशा रिड्यूस कर सके, ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ. इंजीनियरिंग डिज़ाइन इज एन इटरेटिव डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी टू प्रोड्यूस द प्लान टू कन्वर्ट रिसोर्सेज ऑप्टिमली इंटू सिस्टम और डिवाइसेस, ठीक है. टू फुलफिल स्पेसिफाइड टास्क बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन यूज ऑप्टिमल मटीरियल बाय इंजीनियरिंग, ठीक है. ऑल ऑफ जो आपको काम करना है उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग यूज करनी है, और इंजीनियरिंग को यूज करते हुए रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन एंड जो रिसोर्सेस है उनको ऑप्टिमली यूज करो, ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है गाइस, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे कि ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारी इंडिया जो है, आपको पता ही है पूरा कि एग्रीकल्चर बेस्ड है अपना जो इकोनॉमी है, अपने इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है. सो अपने हमने क्या किया, हमने डैम डिज़ाइन किए, ठीक है. और उन डैम से डैम डिज़ाइन किए, बेसिकली मैं पहले बता देती हूँ डैम डिज़ाइन किए. देखो मान लो ये नदी है, ठीक है. अब आपको डैम डिज़ाइन करना है इस नदी पर, ठीक है. तो इंजीनियरिंग क्या कहती है, इंजीनियरिंग यह कहती है कि ऐसी जगह पर डैम डिज़ाइन करो जहाँ पे, जैसे मान लो बेड का लेवल है, ये बेड लेवल मतलब बेड का स्लोप है, स्लोप यहाँ पे इतना है और यहाँ ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे आप डिज़ाइन करो अपना डैम जहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो, ठीक है. यहाँ इसका मतलब यहाँ मेरे को यहाँ डैम डिज़ाइन करना है. अब मैं यहाँ डैम डिज़ाइन कर रही हूँ तो इसका क्यों कर रही हूँ, क्यों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ डिज़ाइन करती हूँ तो मुझे वाटर लेवल बहुत कम मिलता. मान लो पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक है. अब मैंने अगर अपना डैम यहाँ डिज़ाइन किया होता, ठीक है, तो मुझे वाटर लेवल बस इतना ही मिलता जो कि बहुत कम है, जबकि यहाँ पर वाटर लेवल मुझे यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है. तो ये एक इंजीनियरिंग थी, ठीक है. चलो डैम डिज़ाइन कर दिया. अब इस डैम से प्रॉफिट कमाने के लिए, डैम का मतलब होता है बैरियर टू वाटर, पानी को यहाँ पर रोक के रखना. पानी को रोक के रखोगे वाटर लेवल यहाँ इंक्रीज होगा, उसके बाद यहाँ से आप कैनाल बना सकते हो, ठीक है. जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा उससे बाय ग्रेविटी से पानी कैनाल में जाएगा और कैनाल से खेतों में जाता है, ठीक है. तो आपने सुना होगा कैनाल जो होते हैं वो खेतों के आसपास कैनाल्स मिलती हैं, वो ऐसे ही जाती हैं, ठीक है. अब यहाँ पर इंजीनियरिंग लगाई और पानी रोका और बाय ग्रेविटी आपने पानी को फ्लो करवाया, तो फ़ायदा क्या हुआ कि पानी को फ्लो करवाने के लिए आपको किसी तरह के पंप की ज़रूरत नहीं आई, पैसा कम हुआ, रिड्यूस हुआ इस पूरे डिज़ाइन में, ठीक है. इंजीनियरिंग लगाई थी कि ग्रेविटी से फ्लो हो, ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरी इंजीनियरिंग लगाई कि चलो पानी जब स्टोर हो ही रहा है तो क्यों ना हम इसके साथ साथ पानी कैनाल में डालने के साथ साथ उसका बिजली उत्पादन भी कर ले. आपने वो हाइड्रो पावर प्लांट तो सुना ही है, ठीक है. तो वहाँ से क्या मिली, बिजली मिली, ठीक है. बिजली मिल गई, एक दूसरा बेनिफिट इस डैम का, ठीक है. कैसे पता चला, इंजीनियरिंग के बेसिस पर. तीसरा कि यहाँ जो पानी इकट्ठा हो रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैनाल में ही क्यों भेज रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो पानी की ज़रूरत है, उन सिटीज़ को पानी पहुंचाओ. तो यहाँ से पानी पहुंचाना इजी हो जाएगा, इजी क्या, कम खर्चा लगेगा यहाँ से पानी पहुंचाने में, ठीक है. ये एक बेनिफिट हो गया. इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि यहाँ नेविगेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, नौका चालन,
ठीक है, ये जो पानी रुका हुआ है इस पानी के ऊपर नाव तैरा दी जाए तो वहां से पैसे आएंगे, ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। फिर इस प्लेस को ऐसा, मतलब इस डैम को ऐसा बनाया जाए कि टूरिस्ट इस पर आकर्षित हो, सो टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, डैम वैसी चीज़ें देखने के लिए तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ा आपका तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपने एक काम से कितने काम कर लिए, ये होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। एक चीज़ ऐसा डिज़ाइन किया कि आपने उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अपना क्या किया, अवेल किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन। लेकिन इंजीनियरिंग डिज़ाइन सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि उसके साथ आपको कई प्रॉब्लम्स भी आती है, तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट है आपके पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस। इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस, देखो डिज़ाइन प्रोसेस से इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस कैसे अलग है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला करना क्या होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर, सबसे पहले आस्क, आस्क मतलब पूछो, क्या पूछो, आइडेंटिटी द नीड एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, नीड का मतलब है जरूरत क्या है, और कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज है, ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज, ठीक है, ओके। इसके बाद जब आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली है तो रिसर्च करो, क्या, रिसर्च द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करो, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करके जब आपको नीड पता चल गई है उस नीड के बेसिस पे प्रॉब्लम पे रिसर्च करो। प्रॉब्लम पे रिसर्च के बाद आपको इमेजिन करना है, इमेजिन में क्या करना है, डेवलप करना है प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है, एज पॉसिबल सलूशन जो आप डेवलप कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सलूशन आप डेवलप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम की, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा हो सकती है। एंड उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लान, सॉरी इमेजिन करने के बाद आपको उसमें से कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन सेलेक्ट करना होगा। ऑप्टिमल मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि खर्चा कम से कम हो, डिज़ाइन बेहतर हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो और पैसा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। प्लान करने के बाद नेक्स्ट आपका है क्रिएट करो, क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसके जैसा ही बिल्कुल एक नकली आपको प्रोटोटाइप क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे आप टेस्ट कर सको, मतलब जो चीज़ जैसे मैंने आपको डैम बोला था तो डैम का एक प्रोटोटाइप आप हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं और वो प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक उसका एक आर्टिफिशियल एक मॉडल बनाना, प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल बनाना और उसको टेस्ट करना, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली बात है प्रोटोटाइप के बाद टेस्ट एंड इवेल्युएट द प्रोटोटाइप, उस प्रोटोटाइप को टेस्ट और इवेल्युएट करो, अगर वो सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो इम्प्रूव करो रिसर्च एज नीडेड, जैसे रिसर्च को चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये फॉलोइंग प्रोसेस है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन कर सकते हो, इस कर नहीं सकते हो बल्कि इस तरीके से होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है, तो आप कर नहीं सकते हो, ये है, ओके। सो गाइस यहाँ पे जो रिसर्च द प्रॉब्लम है, ठीक है, रिसर्च द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिसर्च करने की जो टेक्निक्स है उसके अंदर एक टेक्निक है जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पर्संस होता है जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते हैं रिगार्डिंग दी आपका जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। अब किसी के आइडियाज मूर्खतापूर्ण भी हो सकते हैं, किसी के आइडियाज अच्छे भी हो सकते हैं, और ये कोई नहीं बता सकता कि किसके आइडियाज बेकार है, मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। तो हर एक आइडिया जो आता है किसी इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ सोच के ही आता है, ठीक है, हर एक आदमी का सोचने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ओके। सो वो तरीका लाइक अलग अलग तरीके की बात कर रहा हूँ तो एक चीज बता देती हूँ जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज जब भी कोई व्यक्ति टू व्हीलर चलाता है, ठीक है, तो हेलमेट पहनने के उनके तरीकों में, मतलब तरीका इन सेंस की हेलमेट पहनने का पर्पस बोल दो यहाँ पर, वो बदल जाता है, ठीक है, या तो वो पर्सन सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनेगा, ठीक है, या पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनेगा, तो जैसे लोग वैसे उनकी माइंडसेट, ठीक है।
तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर एक आदमी का अपना एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट से वो उस प्रॉब्लम का सलूशन दे। तो ऐसा नहीं कह सकते किसी के किसी का प्रॉब्लम का सलूशन बेकार है, तो हो सकता है कि क्या पता वही एक सलूशन बेस्ट सलूशन बन जाए। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअल में ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कि डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं, एंड उसमें से जिसका भी आइडिया मतलब चूज किया जाता है कि किसका आइडिया कितना ड्यूरेबल है, काम करने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं और मैं सेटअप कर देती हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने लिख दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन्स की बाढ़ आना। ठीक है, तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपका फंडा है ये एलेक्स ऑस्बर्न ने दिया था 1940s में। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इज कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्या। इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज आइडिया हंटिंग बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू आइडिया को हंट करना। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग इतना पावरफुल आपका जो टूल है, इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है कि ये बहुत वाइडली यूज होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका, जैसे जब बिजनेस वगैरह में अराउंड द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पर ये यूज़ होता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा टूल है, ठीक है, जिसके जो कि आइडिया जनरेट करता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे होता है ऐसा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या एक मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, बोल सकते हो आप पीपल मेंबर जो बोलना चाहो। ठीक है, उनको जैसे कि वो बैठ के टीम वर्क करते हैं। ठीक है, टीम वर्क कैसे कि एक उनको प्रॉब्लम पकड़ाई जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे ही नहीं कोई भी बैठ जाए। ठीक है, टेक्निकल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है उसके बारे में। ठीक है, तो उनको बिठाएंगे एंड उसके बाद उनको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, चलो ये प्रॉब्लम है एंड इन पर अपने अपने सोल्यूशन दो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो पहले तो हम सिर्फ अपना दिमाग लगाते किसी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, अब मल्टीपल जो दिमाग लग रहे हैं, समझ रहे हो, टाइम सेविंग हो रही है, नए नए आइडियाज आपको मिल रहे हैं। तो ये मल्टीपल आइडियाज जो मिलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की मदद से मिलते हैं, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स को वो प्रॉब्लम दिया और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आइडियाज एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको दिए, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आप ठीक बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, और लेकिन उसके लिए कुछ उसके ग्राउंड रूल्स है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं हम ये देख लेते हैं। उसका जो पहला रूल है, रूल्स है, ठीक है, सबसे पहला कि एक टाइम सेट होता है। ठीक है, टाइम सेट लिख देती हूँ सिर्फ। ठीक है, टाइम सेट होता है किसके लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए। ठीक है, यानी एक सेशन जब हम करते हैं जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर उसके एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहिए होती है, तो हम एक टाइम सेट कर लेते हैं कि आधे घंटे एक घंटे में आपको मुझे सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो वो जब हम टाइम सेट कर लेते हैं तो उस हिसाब से उतने शॉर्ट पीरियड में आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड टाइप पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत सारे और गुड आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल इसका है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेंबर जो हो, ठीक है, वो क्या करे, साइड ट्रैक पे चला जाए। साइड ट्रैक का मीन्स है कि मेन प्रॉब्लम को छोड़कर दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा हो, ये सब नहीं। ठीक है, आपको जो काम बोला गया है वो काम करो, एक साइड टाइम सेट किया हुआ उस टाइम में उस काम के ऊपर फोकस करो। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इसके रूल में है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, क्योंकि जब तक हम देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग का रूल है फ्रीली स्पीकिंग। ठीक है, जो भी मेंबर है आपका वो फ्रीली स्पीक कर सके, और आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति फ्रीली स्पीक नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने व्यूज, अपने जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे कैसा भी सॉल्यूशन दे बट आप फ्रीली स्पीक कर सके, सो कि लोग आपके माइंडसेट को समझ सके। ऐसा नहीं है कि सारे जो सोल्यूशन होते हैं वो बेकार होते हैं, ये सोल्यूशन अच्छे भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई हमको सबको फ्रीली स्पीक करना देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इसका रूल है, मैं लिख देती हूँ फ्रीली स्पीकिंग। ठीक है,
एवरीवन को फ्रीली स्पीक करना चाहिए. इसके बाद एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट. ठीक है, कुछ भी जिसके माइंड में जो भी आ रहा है वो कंट्रीब्यूट करे. ऐसा ना करे अरे नहीं मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा. नहीं, जिसके माइंड में जो भी आ रहा है सबको कंट्रीब्यूट करे. ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट है, पहली बात है कि जो पार्टिसिपेंट है उन ऐसा कोई लीडर टॉक नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई कोई लीडर है जो बोलेगा वही करेंगे. नहीं, ऐसा कोई लीडर टॉक नहीं होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में. आप सबके आइडियाज, सबके आइडियाज लेने के लिए वहाँ बैठे हैं, सोल्यूशन लेने के लिए वहाँ बैठे हैं, तो सभी उसके अंदर इक्वली बिहेव करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे. कोई लीडर वगैरह शिप लीडरशिप वहाँ पे नहीं चलेगी. ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सब रहता है. ठीक है, अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस देख लेते हैं. पर गाइस, ये कुछ प्रोसेस, 6 प्रोसेस हैं. हम इसे अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं. कैसे करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग देखते हैं. सबसे पहले डिफाइन करनी है प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है डिफाइन करना है प्रॉब्लम. जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन हो रहा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन जब हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है. ठीक है, तो आपको वो प्रॉब्लम डिटरमाइन करनी है कि भाई प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए, डिफाइन करनी है आपको कि क्या आपको किसके लिए आप बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम होगी जिसके सलूशन के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है या वो क्वेश्चन क्या है जिसके लिए आप ये पूरा सेशन कैरी आउट करवा रहे हो, उसके लिए आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्लियर कट इसका सलूशन क्या चाहिए. ठीक है, एकदम क्लियर कट सलूशन पता होना चाहिए ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट होंगे वो मतलब फास्टली सोच सके, थिंक कर सके कि मतलब क्या हम अपनी सर्विसेज दें ऐसी सर्विसेज, या क्या हम ऐसा सलूशन दें कि इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉब्लम तो डिफाइन कर दी, इसके साथ आपको इसकी बाउंड्री भी डिफाइन करनी है. कि बाउंड्री का मतलब है जैसे कि आपने उसे बोल दिया कि मुझे ये जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो 6 महीने में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप मुझे एक ऐसा सलूशन दीजिए कि जो 6 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाए. ठीक है, अब जैसे कि आपने केजरीवाल जी के, हमारे जो सीएम है केजरीवाल दिल्ली के, उनको उनकी बात सुनी होगी, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए बस और मेट्रो जो सर्विसेज हैं वो फ्री कर देंगे. ठीक है, तो ये था एक प्रॉब्लम. अगर मैं इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगी, एज आपको पता है कि ये काम एज अर्ली एज पॉसिबल तो होने से रहा. ठीक है, इस काम को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो सपोज ये आपका काम है और इसके लिए अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओ तो जाके सबसे पहले ये प्रॉब्लम एड्रेस करोगे लोगों को, जो फैकल्टी जो अपने राइट पर्सन बुलाए हैं उनको बताओगे कि भैया ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो एक डिफाइंड प्रॉब्लम आपने बताई, फिर आपने उसको बोला कि मुझे 6 महीने में ये करवाना है, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, तो आप ऐसा सलूशन दो तो 6 महीने में इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दे. ठीक है, जबकि 6 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. एनीवे, नेक्स्ट है आपका ले आउट द कॉन्टेक्स्ट एंड डेफिनेशन. ठीक है, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो प्रॉब्लम है आपका, जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या है एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास. एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोले तो हिस्ट्री, उसकी कोई हिस्ट्री या उसके ऊपर जो विशेष आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट और डेफिनेशन देनी है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है बेसिकली. ठीक है, यहाँ पर आपको एक की टर्म होता है ना, की टर्म, जैसे कि उसको जैसे कि केजरीवाल जी को क्या करना है, बस चलानी है, बस और मेट्रो फ्री करनी है वुमेन्स के लिए, तो ये की टर्म हो गया. अब इसके लिए वो लोग क्या स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि एक कार प्रोवाइड करे सो कि सिर्फ लेडीज लेडीज ही उसमें जा सके, या स्पेशल के लिए कोई बस निकाले जिसमें सिर्फ लेडीज लेडीज ही जा सके, तो वो सारे जो सोल्यूशंस हैं वो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो पार्टिसिपेंट हैं वो देंगे. ठीक है, लेकिन कीवर्ड क्या है कि आपको महिलाओं के लिए बस एंड मेट्रो सर्विस फ्री करवानी है, ये कीवर्ड देना है. तो ये कीवर्ड आप सबको दोगे. ठीक है, जब आपने जब ये कीवर्ड सबको दे दिया तो सब एक स्टेज से ही सोचेंगे ना, एक तरीके से सोचेंगे कि हाँ कीवर्ड है, चलो अब यहीं से ही स्टार्ट करना है. ओके,
वेल हम यहाँ पे, मैं भूल गई कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन जैसा एक एग्जांपल लें, तो प्रोडक्शन जैसा एग्जांपल लेने के लिए कोई भी कीवर्ड आपने देख, मुझे इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज की जाए प्रोडक्शन, यूनिट्स के हिसाब से इंक्रीज किया जाए या कैसे उस यूनिट्स को इंक्रीज किया जाए, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके लेआउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डेफिनेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद पिक एंड एप्रोप्रिएट फैसिलिटेटर, ठीक है। फैसिलिटेटर क्या होता है, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पूरा सेशन करवाएगा, ठीक है। फैसिलिटेटर क्या होता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पूरा सेशन करवाएगा। तो एक ऐसा फैसिलिटेटर आपको चाहिए जो कि अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाए, जिसके लिए वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को ट्रैक पर रखे, ठीक है। वी नीड ट्रैक पर रखे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो पहला बात तो फैसिलिटेटर जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे पीछे भी पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाने का, एंड अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड, अनबायस्ड बोले तो किसी के पक्ष ना ले, ठीक है, पक्षपात ना करे, अनबायस्ड रहे, ठीक है, तभी एक बेटर सोल्यूशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। दे शुड बी एबल टू मेक श्योर एवरी वन पार्टिसिपेंट एंड दैट नो वन डोमिनेट दिस डिसीजन, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा ने बोल दिया कि भाई इसका सोल्यूशन ये है, तो उसका सोल्यूशन डोमिनेट नहीं होना चाहिए। डोमिनेट मतलब उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो किसी एक के सोल्यूशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हमें ये चीज भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ हमारा है इनवाइट द राइट पर्सन, आप समझ गए होंगे, ऐसे पर्सन को बुलाओ जो किसी तरह से इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो या जिनको इस बारे में पूरी नॉलेज हो, ठीक है, यानी एक्सपर्ट्स को बुलाओ जो कि इस बारे में जिससे डिस्कस किया जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरीके इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में और भी अच्छा मतलब आइडियाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रेंज ऑफ मतलब पार्टिसिपेंट ला सकते हैं, जैसे एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट कल्चर के, ठीक है। अगर हम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को बुलाएंगे, पर्सन्स को बुलाएंगे फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो वहां से हमें मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। उसके बाद हमने क्या, सेट एजेंडा। एजेंडा सेट करने के लिए जितने भी लोगों ने आपको मतलब दिए हैं अपने आइडियाज, ठीक है, उस आइडियाज के हिसाब से क्या आपका जो एजेंडा था वो सेट करना। इसके बाद रैप द सेशन में आपको जितने आइडियाज मिले उन सभी आइडियाज को क्या करना है, एक स्टिक मतलब लिख के, नोट्स पे लिख लिख के, जितने आइडियाज मिले आपको नोट पे लिख लिख के उनको आप बोर्ड पे स्टिक करोगे, चिपकाओगे, और फिर उसमें से जो बेस्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और राइटर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एज हमने इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ लिया है कि हमको इसका एडवांटेज शायद रट ही गया होगा ना। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो आपको यहाँ पर एक बेटर सोल्यूशन मिलेगा, डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे आपके खुद के प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। जो आप प्रॉब्लम है उसके लिए रिफाइन आइडियाज जो कि डिफरेंट पीपल से मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेटर सोल्यूशन मिलेगा आपके प्रॉब्लम का, समझ रहे हो। डिफरेंट लोग आपको सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं जिसमें से आप रिफाइन कर सकते हो अपने लिए बेटर सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद अलाउ जो आपके पीपल्स है उनकी मैक्सिमम क्रिएटिविटी सोल्यूशन को फाइंड करने में, ये आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपने क्या किया, बेस्ट निकाल दिया, जितने भी आपके जो पर्सन्स थे, पीपल्स थे जिन्होंने सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसमें से बेस्ट आपने चूज कर लिया। अब ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसका एडवांटेज ये भी है कि पीपल्स की जो क्रिएटिविटी है उसको मतलब आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, क्रिएटिवली सोच रहे हैं लोग,
कि हमें यहाँ पे कुछ सोल्यूशन देना है, तो एक क्रिएटिव सोल्यूशन दिया जाए, एक बेटर सोल्यूशन दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है और यहाँ पर एक जो पीपल हैं उनके बीच में एक हारमोनी जंग है कि हाँ किसी तरह से एक फिजिबल सोल्यूशन पर पहुँचा जाए। ये भी एक पॉजिटिव या इसका एडवांटेज बोल सकते हो कि एडवांटेज है, ठीक है, पीपल जो इस तरीके से एक फिजिबल सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेथड एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, इजी मेथड है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। सो कि इसके अंदर मतलब इसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो और एक बेटर आइडिया बेटर सोल्यूशन यहाँ से आप पा सकते हो, ठीक है। ये तो एडवांटेज है जो कि मैंने अभी तक इतना ही यही सब पढ़ाया है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जो डिसएडवांटेज है ब्रेनस्टॉर्मिंग का वो ये है कि जैसे कि आपको कुछ इनोवेटिव रिफाइंड आइडियाज मिलेंगे, उसी तरह से हो सकता है कि आपको कुछ डंप आइडियाज भी मिले, ठीक है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़े इवैल्यूएशन के लिए, बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग का रूल है कि आप किसी के भी आइडिया को डंप नहीं करेंगे, किसी के भी आइडिया को आप बेकार नहीं बोलेंगे, सबके आइडियाज को आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी है जो आइडिया दे रहा है, दूसरा भी वही दे रहा है, तीसरा भी वही दे रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको आइडिया में मिल सकती है इन ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस जो होता है इसके अंदर आपको ओवरलैपिंग दिख सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आइडियाज मिलेंगे, ये आइडियाज किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, कई बार हो सकता है कि लोगों की थिंकिंग जो है इमोशनल या एनवायरमेंटल वहाँ उस तरफ ना हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि थिंकिंग के वक्त कुछ एस्पेक्ट जो उस प्रॉब्लम के हैं वो एस्पेक्ट्स लोग छोड़ दे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का। बट ऑल ओवर दिस डिसएडवांटेज आपको सबसे ज़्यादा इसमें एडवांटेज ही मिला है, बेटर सोल्यूशन के साथ इतने एडवांटेज आपको मिल गए, और क्या चाहिए आपको बताइए। तो चलिए अभी ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।